मैं एकदम चल रही नहीं चल रही है चलो हो गया सर जी दो मिनट रुक जाओ अभी जो ब्रेक चल रहा है सब लाइव हो जाएगा बिल्कुल दो मिनट कितना टाइम हो गया क्या प्लान है दो प्रोफेसर साहब एनडीटीवी आ गए चल हाँ जी मैं सरवण सिंह पलेर किसान मजदूर संघर्ष कमेटी तो किसान मजदूर मोर्चे का कोआर्डीनेटर बोलदा मेरे नाल हरियाणे दे आगू ने पनेड़ी साहब खड़े ने मध्य प्रदेश दे लीडर ने यूपी दे लीडर हैगे ने उत्तर प्रदेश दे तो आज हम पूरे भारत के समक्ष अपनी वार्ता रखना चाहते हैं कि हमने भरसक कोशिश की कल की मीटिंग में कि कोई ना कोई इस तरह का निर्णय हो जाए जिससे हम जो है सरकार से टकराव से बचें और कुछ हमें मिले जिसकी हमें आशा थी हम आशा करके ही भरोसा करके ही 5 घंटे मीटिंग में बैठे रहे हमने उनके समक्ष हरियाणा की पोजीशन रखी भी हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है आप हरियाणा में हर गांव में पुलिस भेज रहे हैं हरियाणा के हर गांव में वाटर कैनन भेजे हैं आपने हरियाणा के हर गांव में पटवारी जा रहे हैं हरियाणा के हर गांव के किसान आपको को रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा बोला जा रहा आपका बेटा एमबीबीएस कर रहा उसे करने नहीं देंगे आपका बेटा डिग्री जिस तरह के लिए उसको होने नहीं देंगे आपका घर भाई नौकरी कर रहा उसे नौकरी से निकाल देंगे और आपके पासपोर्ट रद्द कर देंगे तो इस तरह की मतलब अन्य तरह की प्रताड़ना अधिक से अधिक है जिस तरह का भी हम कह लें अधिक से अधिक है और देखिए आप पंजाब हरियाणा किसी भारत के दो राज्य नहीं ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं जो हमें जो नजर आ रहा है अब हमें मीडिया बोलता था आप रोड रोकते हैं इससे लोगों को तकलीफ होती है हम तो आज भी नहीं कह रहे रोड ब्लॉक करेंगे आज भी नहीं कह रहे हैं हम कहें रोड रोकेंगे अब तो सरकार ने 3 दिन से और जो वो दिखा रहे हैं कंक्रीट की 10-10 फुट ऊंची लंबी जो दीवार बनाई गई है रोड्स में मुझे बोलता हम तो इसको देश के लिए अन्न उगाते हैं उसको देश का पेट भरते हैं और इन्होंने हमारे लिए जो है किलों की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने हमने तो मंत्री महोदय से कहा आपने महाराष्ट्र में जुल्म किया आप मध्य प्रदेश में 300 लोगों को डिटेन कर लिए आप ये बेंगलोर से आ रहे थे ये हमारे लोग उनकी एक औरत थी आगू उसको बालों से जैसे खींचा गया उसके सर पर चोट लगी हम फिर आपसे वार्ता करने गए आपने उड़ीसा में 100 किसान आ रहे थे टिकटें ली हुई थी उनको रेस्ट कर लिया आप इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे क्यों पहुंचे कि हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए पर हमें ना तो ये लगा हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा पर कुछ लगा नहीं उसके बाद कुछ हुआ देखिए वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए हम वार्ता कर रहे हैं फिर भी हमारे ट्विटर हैंडल फिर भी हमने कहा हम दरवाजा बातचीत का खुला रखेंगे हम आज भी कहते हैं सरकार कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती है और जो लगता उन्हें भी हम कुछ देना चाहते हैं तो वो दे दें लेकिन सरकार जो कुछ कह रही है वो सिर्फ हमारे आंदोलन का टाइम पास करना चाहती है जो हमने देखा देखिए सीधी सी बात बहुत आसान बात है एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून वो कह रहे हैं इसमें मंत्री महोदय कमेटी बना देते हैं हमने सीधी सी बात सीएसीपी एक ऐसा अदारा है जो किसान के फसल के दाम के रेट के बारे में सिफारिश करता वो सारी डिटेल्स ले लेता है वो 23 फसलों पे पिछले लंबे समय से भारत सरकार करती आ रही है हर 6 महीने बाद गेहूं हो धान हो और चीजें हो उनके ऊपर वो एमएसपी का अनाउंस करते हैं कुछ 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 फसलें तो खरीदी जाती हैं कुछ नहीं खरीद हमने कहा आपने कुछ नहीं करना ये जो 23 फसलों का आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं पूरी कैलकुलेट करके उसके ऊपर लीगल श्योरिटी कर दें भी आपकी मंडी में एमएसपी से नीचे बिकेगी नहीं अब फिर बोले इस पे कमेटी बनाए हमने बोला इस पे तर्क दीजिए इस पे कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है ही नहीं है
तो इससे वो बिल्कुल उसका जवाब उनके पास नहीं था। आप कमेटी बना के हमारे मुद्दे को डिलीट करना चाहते हैं। हमने ये भी भला मान जो प्रधानमंत्री जब 2012 में कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कहा था एमएसपी गारंटी कानून देंगे, उनकी सिफारिश है। और 2018 में तत्कालीन खेती बाड़ी मंत्री सचिव की चिट्ठी है जिन्होंने कहा था C2+50% के अनुसार आपको फसलों के दाम देंगे, उन्होंने पूरी बात की हुई है उसमें। और इस तरह से जबलपुर हाई कोर्ट में जब किसानों ने जब केस डाला था तो उन्होंने दोनों पक्षों को सुनकर, सरकार का पक्ष भी सुना, जो पीएल डालने वाले थे उसका पक्ष भी सुना, और निर्णय किया कि एमएसपी से नीचे किसान की फसल खरीदी नहीं जाएगी। हमने तीनों तर्क उनके सामने रख दिए, पर मंत्री महोदय अकेले हमारे से। और दूसरा, हमने कहा आपने 2 साल पहले चिट्ठी लिखी हमें, उसमें बोला था एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे, तो 2 साल तो निकल गए, समय तो आपको दिया। 40-45 दिन पहले हमने आंदोलन का ऐलान किया तब कर लेते, तो उनका आंदोलन को टालने का मुद्दा था जिससे हम निराश हुए हैं कि सरकार हमारे साथ बैठ के मसले का हल नहीं करना चाहती। C2-50 के ऊपर भी उनका कोई निर्णय है। किसान मजदूर के कर्ज के बारे में बोलने मालूम करना पड़ेगा कितना है भाई, ये बैंकों का काम है, 10 मिनट का काम है। भारत सरकार चाहे डेटा 5-4 दिन में कलेक्ट करके दे सकती है, कौन सी बड़ी बात है। हम कहते चलो डेटा भी नहीं, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए कि हम किसान मजदूर का कर्ज माफ करेंगे, नोटिफिकेशन कीजिए कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे करना है, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो मीटिंग चसी सारी वार्ता उन मीटिंग में हमने सब कुछ वहां बोला है, सब कुछ कहा है। इस वजह से जब मीटिंग सिरे नहीं लगी तो हमें सबको मिलकर ये 10 बजे का बॉर्डरों के ऊपर जाने का निर्णय लेना पड़ा। हमारी ओर से बिल्कुल पीसफुल, कोई टकराव नहीं करेंगे सरकार से, सरकार गोली मारे लाठी बरसाए सहेंगे दिल पर, ठीक है, आंसू गैस के करे वो कर ही रहे हैं सब कुछ। हमारी ओर से उधर फौज के जवान भी हमारे घरों से हमारे भाई हैं, पुलिस के जवान भी हमारे हैं, इधर भी हमारे हैं, ठीक है। तो हम पीसफुली पुरामन ढंग से ये सब करेंगे जो हमारा निर्णय है। दूसरा, हम मीडिया से अपील करना चाहेंगे कि हमारे अक्ष को बिगाड़ा ना जाए, ठीक है, वो हमारे अक्ष को सहम, हम देश के किसान मजदूर है। किसी जो बोला जा रहा है मीडिया में, कोई कांग्रेस को नहीं, कोई कांग्रेस हमें सपोर्ट नहीं करती, हम कांग्रेस को भी उतना दोषी मानते हैं जितना भाजपा दोषी है। ये नीतियां तो कांग्रेस लेके आई है, हम कोई लेफ्ट नहीं है, हम जो सीपीआई सीपीएम ने जो बंगाल में राज किया उन्होंने 200 गलतियां की, वहां से पश्चिमी बंगाल में कौन सा इनकलाब आ गया, हम किसी के पक्ष वाले नहीं है, हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले हैं, उनके आदमी है। तो बाकी हम फिर अपने लोगों से अपील करेंगे, चाहे पंजाब और देश के गायक हैं, बुद्धिजीवी हैं, एनआरआई भाई हैं, चाहे और सिविल सोसाइटी है, सभी सिविल सोसाइटी उसमें पत्रकार भाईचारा भी आता है, वो जरूर इस बड़े आंदोलन में, ये हमारा सवाल नहीं, हम नहीं कहते, 140 करोड़ देशवासियों की मांग है, उसमें से 60 करोड़ से अधिक किसान है इस देश में, खेत मजदूर अलग हैं, तो 70-75% आबादी की मांग है, सब हम मिलके करेंगे, इस देश को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, अगर कृषि बच गई तो देश बच जाएगा। तो ये हमारी बात सी, और मैं हुण पंजाबी च कह देना चाहना कि देखो भराओ, पंजाबी ते हरियाणा मीडिया, मैं सारा मीडिया कहना चंगा, कोई माड़ा नहीं है, अपने बंदे जरूर मीडिया ना जरा सहयोग करन, जिहड़ी उहदे विच साडे बंदे मीडिया ना टकरा वाली गल च ना आउण, साडी जिहड़ी बेनती है साडे नौजवान साडे किसान मजदूर किते भी पड़काहट च ना आउण। गुरु साहब की सारी उम्र उन्होंने बड़ा बड़ा उपदेश दिता, जंगा लड़िया, किते भी हौसला नहीं खोया, किते भी पड़काहट च नहीं आए, अखीर तक गलबात हुंदी रही, अखीर तक असी गल सुनते रहे, असी टकरा वाले पासे नहीं जाना चाहते। तो ठीक है, साडा मुहिम है साडा फैसला वा कि असी साडी सरकार ने गल नहीं सुनी हैगी, असी हुण अगे वधना हैगा। तो इस करके फिर सारे मीडिया नूं, पंजाब दा मीडिया विशेष करके, हरियाणे दा मीडिया, ये पूरा सहयोगी है सारा मीडिया, दूसरा भी हैगा। देखो ये मौके दीयां गल्लां ने, की मौके दीयां परिस्थितियां बनदियां ने, किहो जे मौके दे फैसले लैने पैंदे ने,
ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਕੋਈ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ। ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿੱਲਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾੜ ਜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਆ, ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਕੇ ਹਮਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇਂ ਵੀ ਉਠਾਈ ਥੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਪਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੇ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੀ ਗਈ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀਏ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਤ, ਹਮਨੇ ਦੋ ਦਫਾ ਜਾ ਕਰ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੇ, ਦੋ ਦਫਾ ਹਮ ਚਲ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਵਹਾਂ ਪਰ ਤੱਕ, ਹਮਨੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਾ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪਰ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਕਿ ਵੋ ਸਭ ਕਮੇਟੀਓ ਕੇ ਲੀਏ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੋਰਮ ਕੇ ਲੀਏ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਕਮੇਟੀਓ ਕੋ ਬੜਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਚਰਚਾ ਕਰੇਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਜੋ 120B ਕਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਤੋ ਕਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਆਵਸ਼ਕਤਾ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਤੋ ਵੋ ਉਸ ਪੇ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਤ ਪੇ ਉਨਕੋ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਮਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨੋ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਕੇ ਹੱਕ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਬੜਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਜਬ ਹਮਨੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਚਰਚਾ ਕੀ ਬਾਤ ਆਜ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ MSP ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਕਾ ਕਹੀਂ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੀਂ ਸੰਸਦੀਏ ਸਤਰ ਬੁਲਾਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆਜ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ MSP ਕੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਪਕਾ ਕਹੀਂ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹੀਂ ਸੰਸਦੀਏ ਸਤਰ ਬੁਲਾਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਹਮਨੇ ਕੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ ਕਿ ਜਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਕਾਫਲਾ ਚਲਾ ਥਾ ਕਿ ਹਮਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕੇ ਸਾਥ ਕਿਸਾਨ ਚਲ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾ ਗਿਆ ਥਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਥੇ, ਲਗਭਗ 600 ਸੇ ਉੱਪਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਥੀ, ਆਜ 1000 ਟਰਾਲੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਬੰਦ, ਔਰ ਕਹੀਂ ਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਯੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਸੇ। ਮੈਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਥਾ ਕਿ ਬਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਬੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਯੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਂਗੇ ਕੋਰਟ, ਆਪ ਹਮਾਰਾ ਇਸਮੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਂ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਹਾਂ PI ਡਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਇੱਕ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਖਲੋ,
दूजी गल भी देखो सवाल यह नहीं है किसी व्यक्तिगत किसी का ना लीए सवाल इशू ते आओ इशू यह है कि इस किसान अंदोलन दे विच्चों को पार्टी कढ़नी है कि नहीं कढ़नी किसी ने को मिशन चलाना वा के नहीं चलाना जो साडे किसान मजदूर मोर्चे ने एसकेएम गैर राजनीतिक ने जो एक जापता बनाया है अंदोलन दे विच जड़ा वो जापता मनदा उन्हूं खुला सदा है तुहाडे थ्रू है तीस दूसरा सवाल यह है भी किसी नूं लग सकता भी एडा वड्डा अंदोलन दिल्ली का नहीं बनना अज बन गया हुण उह धक्के ना किवें लै जे पोजिशन आउंदियां ने आपां कहिंदे समझ तो पोजिशन किसी की पोजिशन दिल्ली जाण दी है ही नहीं वो चंडीगढ़ जाना चाहता उन्होंने धक्के ना किवें लै जाइए सवाल साडा कोई निजी नहीं है सवाल जनतक रूप च ने किसी नूं लगता अंदोलन बन नहीं सकता उहदी निजी ठीक है अपना कर ले किसी नूं लगता भी ये असी किसान अंदोलन करके नहीं सफल हो सकते सरकार बनाउणगे पर साडा ते फैसला असी सरकार वाले पासे नहीं जावांगे इशूआं दे सवाल है व्यक्तिगत किसी ना कोई रौला नहीं हैगा ना होना वा ठीक है जिहड़ी असी लड़ाई लड़न जा रहे हैं एक की सरवण पंधेर दी जां होर जथेबंदियां दी निजी लड़ाई है साडी इह देश दी आ हुण जड़े देश दे किसान मजदूर नूं मंगां लै के देना चाहुंदे अज नूं खुल्ला सद्दा वा दिल्ली दीआं सड़कां खुल्लीआं वा करोड़ां लोक समाए जाणे आ किन्ने रोकिआ किसे नूं देखिए अभी इसके बारे में बोलना उचित नहीं होगा मौके की परिस्थितियां किस तरह की होगी क्या निर्णय लेने पड़ेंगे ये मौका बताएं प्रदेश साहब ये बताइए आप दुर्नाम और बातचीत की जा रही है कोई बातचीत करने होता आया क्या देखिए बातचीत हो रही है बातचीत के लिए तैयार हैं इसमें कोई दो नहीं है रास्ता खुला हुआ हाँ बातचीत से सरकार निकालना कुछ नहीं चाहती आंदोलन को टालना चाहती है पंडित साहब ये मान के चले इस बार पंडित साहब ये मान के चले कि गुरनाम चढ़ूनी राकेश टिकैत इस आंदोलन में नहीं दिखेंगे सभी दिखेंगे देख लीजिए आप आंदोलन की मांगों के ऊपर कंसल्टेशन करिए ठीक है ये देश के हित में होगा किसान मजदूर के हित में देखिए तो आप इन्वाइट करते हैं मैं ना सभी आएंगे सभी को इन्वाइट किया हुआ किसी को एनी भी नहीं किया हुआ पिछली बार पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं ले गई सी किसी पॉलिटिकल लीडर नु अलाउड नहीं किया गया सी इस बार अगर कोई पार्टी पॉलिटिकल सपोर्ट देती है या फिर तुहाडे अंदोलन च आना चाहती है तां ओह आ सकती है नहीं आ सकती की सिनेरियो है सपोर्ट कोई जड़ा मर्जी करे ओहदा की रौला असी आप दी स्टेज ते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी नु बोलन नहीं देंगे सपोर्टरां बारे साडी अड पहुंच होगी कोई बाहर आके थले जो मर्जी करता रहे ओहदे की रौला हैगा ठीक है अपनी पोजीशन वेखे जे लोक विरोध करदे आ साडी स्टेज तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलूगी ठीक है हम तो जो भाजपा समर्थित किसान और खेत मजदूर है उनको भी बोलना चाहेंगे आप वोट चाहे तो भाजपा को दीजिए जब किसान और खेत मजदूर की बात आ रही तो हमारे साथ खड़िए हम आपके मांगों के लिए लड़ने जा रहे हैं देखो सिर्फ नजरिया ऐसी भी अंदोलन किवें टल जाए होर ओहदे विच कुछ भी नहीं सी असी बैठे रहे पूरा मत्था मारिया सानू पता लग गया घंटे च भी देना कक नहीं अहीं चार घंटे होर बैठे रहे भी सरकार ये ना कहे भी किसान अग उठ के चलेंगे देश के लोग ये ना कहें कि किसान लीडर बातचीत से मसले का हल नहीं करना चाहते हमने पूरी उनसे कोशिश की भी कोई ना कोई मसले का हल हो जाए और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आप कह रहे हैं कि सबको वो सब शंभू बॉर्डर पे पहुंचेंगे आप कह रहे हैं शंभू बॉर्डर हरियाणा अंबाला की तरफ से आने वाले जो रास्ते हैं उनको भी सील किया हुआ है जिसका सरकार गोलियां मारे डांगा चलावे सरकार टकरा कर रही है असी नहीं टकरा करा आप ये बताइए आपने कहा सबको इनविटेशन है राकेश टिकैत को गुरनाम मैं बोल रहा हूँ आप पर्सनल किसी के नाम ले रहे मैं बोल रहा हूँ देश हित में लड़ाई है देश के किसान मजदूर की लड़ाई जो आ जाए किसी को नाम नहीं करते हम ठीक है जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद।